और हम देखते रह गए किधर निशान, निशान किधर है। तो मैं और सुनाओ, कैसी याद नहीं आती मेरी? आपने तो मुझे तुर्की से ही बड़ा कहा था कि वापस आ जाए तुर्की से ही। ईद जो है मैंने मेरे सेफ में गुजारी थी, मैं कॉल कर रहा था मुझे निकलवाओ इधर से निकलवाओ, ऐसी दुआ लगी कि पुलिस आ गई। तो जिसको भी मैं बताती थी मैं इतना रोती थी, मैं रोती थी हाय मेरे बेटे के साथ ऐसे। और भी वहां बच्चे थे सभी, मेरी इतनी दुआएं, जो भी कहता था आए तुम कैसे जा रही हो, मैं कहती मेरे बेटे ने हमें हमें उम्रा करवाया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला बहुत ज्यादा स्पेशल। आप लोगों को जैसा कि पता है संडे को आ रहा है मदर्स डे। तुम्हारा भाई मदर्स डे पे हमेशा कुछ ना कुछ घर वालों के लिए, अम्मी के लिए स्पेशल कुछ करते ही है। तो इस दफा का सीन ये है कि मैं घर थोड़े पैसे भेज रहा हूँ भाई को, आज पहले पैसे भेज दे फिर देखते हैं क्या करना है आगे। नहीं क्या करना है, 1 लाख रुपया भेज रहा हूँ मैं, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे। दूसरा मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया भाई, यहाँ से ओके करते हैं, ऑथराइज करते हैं, डन हो गया। ये हो गए पैसे सेंड, 1 लाख रुपया हो गया सेंड। ठीक है, ये तुम्हारे भाई ने कर दिए भाई को 1 लाख सेंड। ठीक, पैसे वगैरह भेज दिए मैंने भाई को, ठीक है उसे रिसीव हो गया। ये चीज सोचिए यार, पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, कम से कम ये तो कर सकते ना, तो ये चीज सोचिए। आई डोंट नो आपको अच्छा लगा कि नहीं, ये आइडिया आया था मेरे जेहन में तो ये कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी कैसा जाता सरप्राइज, सरप्राइज तो सरप्राइज ही होता है ना, पास जाके दो या करीब जाके दो, यहाँ पे होते हुए अब यही कर सकते हैं। वरना पाकिस्तान जा सकते तो पाकिस्तान चला जाना है, तुम्हारे भाई ने सरप्राइज देने, पता है ना। समझे, जितने मेरे पास आए थे जितनी सैलरी आई थी थोड़े बहुत जिम पे लग गए, बाकी इधर भेज दिया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। तुम्हारा भाई वेला हो गया, 0 अकाउंट बैलेंस हो गया, ठीक है टेंशन नहीं है, अल्लाह और देगा, पैसों की टेंशन नहीं ले रही है, दिल्ला देने वाला अल्लाह पाक, अल्लाह पे की तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं हूं जीशान का भाई नुमान, और आपको पता है कि मदर डे है, और मदर डे को लेकर हमने अपनी वालदा के लिए एक सरप्राइज पार्टी को अरेंज किया हुआ है। और जीशान का टास्क है जी सरप्राइज गिफ्ट देना हमने जीशान की तरफ से वालदा को, क्योंकि वालदा को बिल्कुल नहीं पता कि उन्हें जीशान की तरफ से कोई जबरदस्त गिफ्ट मिलने वाला है। हेलो जी पब्लिक, मैं जिम से आ रहा हूँ, ठीक है मेरी भाई से बात हुई है, वो कह मोबाइल लेने जा रहा है, मैंने तो उसे कहा सैमसंग का ले भैया, अल्फुल कंपनी का ले ली, सैमसंग का ले, देखते हैं कौन सा लेता है, वो देखते हैं कैसे जाता है, वो कौन सा भाई उसे पसंद आता है। अगला क्लिप आएगा भाई का। जी हो चुके हैं हम रेडी, और अब निकलते हैं पैसे वगैरह निकलवाते हैं, और साथ अब्दुलरहमान भी जाएगा, दादो के लिए शॉपिंग करनी है। मिलते हैं आपसे आगे जाके और आपको दिखाता हूँ। लो जी ये अब्दुलरहमान साहब पहले ही बैठे हुए हैं। A few moments later. ले जी पैसे निकलवाने आए थे, और उधर कैमल मिल गया अब्दुलरहमान को, अब्दुलरहमान साहब कह रहे हैं मैंने कैमल लेना। निशान से फाइनल हुआ है कि वालदा के लिए मोबाइल लेना है, और आप मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि कौन सा मोबाइल जो है वो पसंद आता है। ये सैमसंग का A13 जो है वो पसंद कर लिया, जिशान की भी रिकमेंडेशन यही थी कि A13 जो है वो लेना है, तो अब ये लेते हैं और फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मोबाइल तो ले लिया हुआ है, आप जो है कोई बैक कवर भी ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वालदा ने हज़ार इस बात है बड़ी सेफ्टी के साथ चलाना होता है। माउस भी हो गया और अब मोबाइल भी हो गया, लेते हैं और निकलते हैं। चलो जी, आज मदर्स डे है, मैंने काम पे कॉल की है, तो मैंने उनका जल्दी आ जाऊँगा, मैं जल्दी छुट्टी कर लूँगा, कहते ठीक है आ जाओ, मैं कपड़े इसलिए कर रहा हूँ, उधर भाई देख लो भाई, मोबाइल सुबह पैक कर लिया अम्मी को देने के लिए, ठीक है ना। तो अभी कपड़े शपड़े इसलिए करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, निकलते हैं टाइम से, ठीक है टाइम से आते हैं, फिर आके स्ट्रीम करते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं फिर भाई जा। पूरी
ले जी, पूरी तैयारी शैयारी होगी हुई है, पिज्जा शिजा हमने ऑर्डर किया था वो आ गया हुआ है, केक भी हम लेके आ गए हैं, दिखाते हैं आपको क्योंकि आपसे जो है तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और इसके बाद वालदा की बात करवाते हैं जिशान के साथ, लाइव स्ट्रीम पे सारी सेटिंग भी कर दी हुई है और फिर गिफ्ट वगैरह देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें मिर्हा नूर जो है वो पिज्जा लेके बिल्कुल रेडी हो गई है। मिर्हा जरा पिज्जा तो दिखाओ, कौन सा पिज्जा लाई हो? केक भी आपको दिखा देते हैं, ये देखें केक ये हम लेकर आए हैं। केक शेक की तैयारी भी पूरी हो गई हुई है। तो चलें जी मिलते हैं, वालदा की बात करवाते हैं और फिर आपको पता है कि जिशान वेट कर रहा है तो फिर लाइव स्ट्रीम पे केक काटेंगे और फिर उसके बाद पार्टी शार्टी करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे। भाई जी बारिश हो रही है फुल तेज, काम मेरा खत्म हो गया, जल्दी जल्दी घर चलते हैं और जाके स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बाजी, सुनाओ क्या हाल चाल? शुक्र अल्लाह का, बड़ी शादियां शुदियां खा के आ रहे हो, खैर हो पता चला मुझे? थोड़ा फंक्शन था इसके जाना पड़ा। बस शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे हो? हमारे लिए दिन रात दुआएं जारी रहे, कामयाब करे अल्लाह ताला, तेरे लिए आसानियां पैदा करे। और मैं तो तुम्हारे सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह ताला को जजाए खैर दे। और सुनाओ कैसी, याद नहीं आती मेरी? मुझे तो बढ़िया। और सुनाओ कहाँ गए थे? बाकी जो आपके दो दोस्त हैं, मतलब रिश्तेदार हैं, सारे आपके बाद सब, लेकिन जब भी मिलते हैं ना ये आप। चलो इंशाल्लाह आ ही जाना है एक ना दिन। आठ कितने साल हो गए, 8 साल 9 साल? दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, लग रहे हैं बहुत जल्दी कुआने छोड़ी इंशाल्लाह, सारे तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। बाकी हम सारे तेरे को खास करते जब भी बात करने जाते हैं, बात क्यों चलना बस। बाकी मैं तो सब अपने दोस्तों के लिए जो जो वहाँ के हैं, जो जो परेशान है, सब के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनके सच्चे दिल से बच्चे तो अपनी माँ से दूर है, अपने घर वालों से दूर है। चलो दुआ ही है, बस दुआ के सहारे बैठे हुए हैं, वरना तो कोई शोक, बस कहते शोक का सफर मजबूरी बन गया। नहीं मतलब देखिए ये तीनों भाई के बच्चे हैं, एक सिस्टर का। और सुनाओ कैसी गुजरी जिंदगी? हमें भी रुला दिया। नहीं मैं नहीं रोया यार, मैं नहीं रोया, मैंने कंट्रोल कर लिया अपने आप को। अच्छा स्टोरी तो बताओ, जब चला गया क्या हुआ, क्या महसूस किया? लगा था कि मैं इतने दिन बाहर गुजार लूंगा, कि मैं तो आपका सबसे लाडला था, जहाँ आपने जाना वहाँ पे मैंने जाना, आपके पीछे पीछे रहना। यकीन करें दो दिन जब हम मुझे समझाते थे, किसी को बुला रहे थे, किसी को समझाते थे, क्या बताएं तुझे कैसे हमारे ऊपर गुजरी और क्या क्या गुजरी। बस देख लो, शोक का सफर मजबूरी बन गया, वही साहब है। आपने तो मुझे तुर्की से ही बड़ा कहा था कि वापस आ जाओ तुर्की से ही, जब नोम्बई की शादी थी इतना समझाया कि वापस आ जाओ इधर से बुला लेते हैं तो, लेकिन तुम्हें जुनून था आगे जाने का, बस फिर तो दुआएं करते रहे दिन रात भरे। और बताओ और जो भी मिलता मुझे उनके लिए, उनको सबको मैं यही कहती मेरे बेटे के लिए दुआ करे, मेरे बेटे के लिए दुआ करे। और अल्लाह ताला ने फिर इन दुआओं को सुना और अल्लाह ताला तेरे लिए आसानियां पैदा करता चला गया। अभी चला तो गया, अब उसके पीछे दुआएं ही हैं, तो अभी ऐसे ही दुआओं का ही सिलसिला चलता रहा, दिन रात नमाज पढ़ी और अल्लाह के लिए दुआ में बहुत तहज्जुद पढ़ी, नमाज पढ़ी, तो दुआएं करते रहे। तो फिर अल्लाह ताला ने शुक्र है, जब तुम तैरिए से आगे आगे जाते रहे तो फिर दिल को सुकून होता रहा कि चलो अल्लाह ताला इसे कामयाब करे। अच्छा वो जब तुर्की में मैं फंस गया था, वो जो सेफ में दो दो एजेंट पैसे खा गया था, यकीन करे जिशान, जब तूने वहां से मैसेज किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, पैसे वो हुआ, उस दिन तो हम सारी रात नींद ना तेरे सारी रात कसम से एजेंट, वो 2 महीने में रहा था सेफ में कसम से, तुर्की में, ना आगे का ना पीछे का, मुझे अभी भी याद है।
ईद जो है मैंने मैंने सेफ में गुजारी थी, मैं कॉल कर रहा था मुझे निकलवाओ इधर से निकलवाओ, ऐसी दुआ लगी कि पुलिस आ गई। जिसने जिसने मेरी स्टोरी सुनी उन्हें पता होगा। तो तुम कहते थे इतने बच्चे हैं इतने वो हैं, तो फिर बस अल्लाह ताला ने तेरी मदद की है कि कैसे सबको ले गए और फिर तुमने जब मैसेज किया कि मैं महफूज हूँ और वो इस तरह का करके चलो बस आपकी दुआ कर दिया करो, सारों के लिए दुआ किया करो के सारे ठीक नहीं था, ऐसा टूटा फूटा मोबाइल था, कभी बात हुई कभी ना, कभी गए घर से ना कुछ पैसा था तुम्हारे पास, ना कोई कपड़ा था ना कोई, तो तुम ऐसे बगैर बताए चले गए, तो फिर हमारे तो परेशानी बनी थी ना। लेकिन जब भी रब्ता हुआ नुमान भाई से, नुमान ने बताना, नुमान भी बेचारा बड़ी कोशिश करता रहा, कभी किसी को फोन कर किसी को फोन कर, बस अल्लाह ने ही मदद की है। मैं कह रही अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, बस जितनी दुआएं मांगी अल्लाह तक पूरी की है। चलो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अब थोड़ा ही टाइम मुश्किल टाइम गुजर गया हुआ है शुक्र है अल्लाह का, अब आसानियां ही आसानियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हां ना अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी इतनी इज्जत की, तुम्हारे सारे इतने प्यार है, सब तुम्हें पसंद करते हैं, वो जो एक इंटरव्यू था तुम्हारा वो देखा बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाबियां दे, और तेरे जो दोस्त हैं वो जो तुझे फॉलोवर है या तुम्हारे फैन है या तुम्हारे जो व्यूअर्स हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, मेरे बेटे को कामयाब किया, और इंशाल्लाह ताला ये आपका जो 100 चल रहा है इंशाल्लाह ताला ये भी जल्द पूरा हो जाएगा, और मेरी इन दोनों के लिए बहुत ढेर दुआएं हैं इंशाल्लाह। पीछे जिशान ने अपनी फैमिली को बड़ा सपोर्ट किया है, अभी इंशाल्लाह ताला कर रहा है जितना इसके पास होता है, बल्कि मैं तो इसे कहती हूँ जिशान तुम अपना भी कुछ बनाओ जाके, तुम जब यहाँ आओ तो तुम्हारे पास कुछ हो, तो इसने पीछे अपने अबू को हमें उमरा करवाया है, अल्लाह ताला इसे और ज्यादा दे। मेरी इतनी दुआएं, जो भी कहता था ये तुम कैसे जा रही हो, मैं कहती हूँ मेरे बेटे ने हमें उमरा करवाया है, तो इस तरह ना बड़ी दुआएं थी वहां पे ना, जो भी पूछता है बस यही कहते हैं अल्लाह अपने फैमिली को जितना थोड़ा बहुत कर रहा है अपनी फैमिली को सपोर्ट कर देता है, तो अल्लाह ताला इसकी कमाई दे, अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला इसे बहुत ज्यादा दे दूंगा कि हर नेमत इसको दे अल्लाह ताला, और इसकी जो अगली जिंदगी हो वो भी अल्लाह इसके लिए अल्लाह बस हिदायत दे, नमाज पढ़ने की। चलो आपके लिए गिफ्ट मंगवाया मैंने नोम भाई को, पैसे भेजे थे, चलो नोम भाई दे दे यार, अब मेनू खुश कर दे बेटा, इसकी क्या जरूरत है, और बस मेरी औलाद ही मेरे लिए इतनी बड़ी गिफ्ट है, और बस एक शौक भी होता है ना, तो मैं तो कहती हूँ तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, मुझे तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, मैंने बचपन में आपको थोड़ा तंग किया, टीवी वाला मोबाइल भूल गया, वो तो मैं अक्सर अभी याद करती हूँ कि जब टीवी वाला मोबाइल लिया कितना रफड़ डाला, और फिर इसको लेके दिया, और उसमें ये मैच देखता था, और सबको फिर एक दफा वो जो ले आया था गिटार, और फिर तोते नहीं ले आया था, पूरा घर भर दिया था, और वही तोते तो बेच के पता नहीं चला था, अब चल निकल गया यहाँ से, हम परेशान होंगे, बस देख लो, चल दे नो यार, नेट क्यों रेड हो गया तेरा, हो गया ठीक, चलो अपने गिफ्ट खोल लो, आपके लिए सारों ने गिफ्ट प्रोग्राम बनाया, हमने सारों ने प्लान किया था, पहले केक काटने के गिफ्ट, गिफ्ट देते हैं, चलो गिफ्ट खोलो जरा क्या क्या है, आमीन आमीन, आपकी पूरी औलाद में रहेंगे सबसे बड़ा तोहफा है, इनको देख देख के दिल खुश हो जाता है, ना जरूरत तो नहीं थी गिफ्ट की, तो अगर तूने दिया तो अल्लाह ताला तेरी कमाई में बरकत दे, तूने मुझे याद रखा मदर डे पे है, बस यही होता है माँ जी, अब वापस पता नहीं कब आना है, पता नहीं कब नहीं आना, जिंदगी का कुछ पता नहीं, बहुत ठंडा है, सारे बच्चों ने सब दुआ कर रहे हैं हमारे लिए, और अल्लाह ताला जरूर सुनता है, देखो जब हमारे पास कुछ नहीं था अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया, अब अल्लाह ताला तुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि तेरे इतने फॉलोअर्स है, तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, ये देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, हम इस काबिल नहीं थे जहाँ अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, और तुम्हारा जो भाई है वाजिद साहब अल्लाह ताला उसको भी जजाए खैर दे, अल्लाह ताला उसको बहुत
जिंदगी दे, उसको दृष्टि दे, उसके बहुत ज्यादा दे, इतना सपोर्ट दिया। इसके अलावा और तुम्हारे जो साथी अमेरिका से आए थे, वो कुछ इज्जत करके जो सारे आपके दोस्त हैं, अल्लाह चलो भाई केक आ गया। अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्त दे, अल्लाह तला हमें बहुत कामयाबियाँ दे। आज मेरा बेटे कला इंशाल्लाह ताला लेके पूरे होंगे और सब अपनी माँ के लिए भी दुआ करेंगे और मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करूंगी। हैप्पी मदर्स डे। मैं खुद ही खा ले तो चलो तुसी केक खाओ, मैं बिस्कुट खा तो ये लो। थैंक यू बेटा। चलो गिफ्ट लाओ भाई जल्दी जल्दी। अगला दिख रहा हूँ, चलो अगला दिख रहा हूँ। चाचू की तरफ से, मेहमान की तरफ से दे दो मेरे को। ओए होए थैंक यू बेटा, ये मेरे जीशान की तरफ से, एफएम जीशान, आई लव मॉम, हैप्पी मदर डे। थैंक यू। चलो खोलो ना अभी से बेटा, चलो खोलो ना, सारों को खोलो। पता नहीं अभी इसमें क्या गिफ्ट मेरे बेटे ने भेजा बेटा, ये तो एक सरप्राइज ही है। क्या चलो खोलो ना इसे, खोलो अभी, खोलो अभी, अभी खोलो अभी, सिम डालो इसमें, खोलो ना इसे, पसंद आया कि नहीं। चलो माशाल्लाह, चलो उतारो ना कवर, उतारो ना कवर, कवर वगैरह उतारो, सिम वगैरह डालो। चलो भाई डन हो गया, कोई ना कोई अल्लाह और देगा। चलो अब अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच के भेजना मुझे। चलो आमीन आमीन। चलो ठीक है फिर ना मुंबई, तुम्हारे दोस्त वो जो तुम्हारे साथ स्पेन में सारे शामिल थे, सारों ने तुम्हारी इतनी इज्जत की, सारों ने इतना प्रोटोकॉल दिया, मेरी तरफ से उनका भी बहुत शुक्रिया था। हां ना डाकू दा सिद्धू भाई, ओशन भाई, तैयब भाई, आमीन, बहुत शुक्रिया। मैं जब हम परेशान होते हैं माजिद को फोन कर लेते हैं, माजिद बेटा बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को इतनी इज्जत दी और मेरे ऋषान की मदद ली और यहाँ तक पहुँचाया। अबू का है, अबू का है, अबू का है, मिजी नोम्बई अबू का है, आवाज नहीं आ रही, अबू का है, अबू अरे मिल लेंगे, और कुछ नहीं होता, बुला ला उठा रहा जा, जरा सारे देख लेंगे, एक दफा मिल लेंगे सारे, फादर फादर स्पैम कर रहे। हाँ जी अबू जी सुनाओ। हाँ जी सही है, ठीक ठाक, शुक्र लगा, आप सुनाओ, सो गए थे? अभी तो कितने बजे, 11 बजे, 11 बजे सो गए जाके, बस पौने 12 हो गए। और सुनाओ कैसी सेहत भी थे, काम शाम की सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर दिया करो बस, अम्मी का मोबाइल नहीं देखा आपने, अगली दफा ताड़ा आएगा, अगली दफा ताड़ा आएगा। लेकिन जो बच्चों के है ना, सबसे बड़ी हमारे लिए तो बच्चे ही हमारा सारा सरमाया। ओके मीरा माजी, ओके अबू जी, ओके नंबर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो सारों को। चलो मीरा बाय बाय कर दो, मीरा बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़। इमोशनल कर दिया यार, इस जगह पे आगे पता चलता है भाई बाहिर है। सुनाओ क्या हाल चाल सारों का?